सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गाइस आपके भी अगर फ़ोन पे में दोस्तों रॉन्ग यूपीआई की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार अपने यूपीआई वगैरह यहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद हमारे गाइस जो यूपीआई पिन रॉन्ग बताता है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं ना। तो रॉन्ग यूपीआई के लिए हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जैसे आप रॉन्ग यूपीआई पिन बताए तो आपको रीसेट या री इंटर नहीं करके रीसेट पिन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आपको जो आपके 6 डिजिट के आपको शायद देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल में 6 डिजिट के दोस्तों, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब गाइस मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ना, तो यहाँ पे गाइज आपको करना क्या होगा, जो 6 डिजिट है योर कार्ड नंबर, जो आपके दोस्तों एटीएम कार्ड के लाइट के 6 डिजिट है ना, लाइट वाले 6 डिजिट है जो एटीएम कार्ड के, वो डालना है। यहाँ पे दोस्तों वैलिडिटी यू टू कर मिला कर रखा है आपको, यहाँ पे आ गया तो महीना डालना है और पीछे दोस्तों ईयर डालना होगा, है ना, साल। तो महीना आपका अगर पहला है तो आपको 01 कर देना है, 9 तक तो दोस्तों आपको 01 करके ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगर 2025 है तो यहाँ पर आपको 25 डाल लेना है, ना कि दोस्तों 2025 नहीं, केवल दो संख्या डलेंगी 2025, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपका नया यूपीआई बना सकते हो, और ये जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी फ़ोनपे में, वो गाइज आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, साथ ही ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों।